Welcome to Technify Life. Subscribe our channel and click the bell icon to get the notifications of our latest video. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल लाइफ में और आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट क्या होती है। इस दुनिया में अब 2 घंटे पानी के बगैर, 4 घंटे खाने के बगैर तो रह सकते हैं, पर ज्यादा देर तक आप इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकते। क्या आपको पता है कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आप हर रोज यूज करते हैं, पर आपको क्या पता है कि वो कैसे चलता है? आप दूर बैठे किसी से बात कर रहे हैं विया फेसबुक व्हाट्सएप पर, कैसे? और ये कैसे चलता है इंटरनेट? सबको लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, पर ऐसा नहीं है, ये केबल से चलता है। अब आप कहेंगे कि मेरे मोबाइल में तो केबल नहीं लगा है, किसी के मोबाइल में केबल नहीं लगा है, तो ये केबल से कैसे चलता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो टावर्स लगे हुए हैं आपके घर के आसपास, उस टावर केबल से कनेक्ट होता है। वो केबल दुनिया भर के केबलों से कनेक्ट है और ऐसे होता है इंटरनेट। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखते रहिए और आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंटरनेट चलता है। जो रॉन्ग कंसेप्ट आपके दिमाग में है वो आज मैं सही करने वाला हूँ। तो आपका मोबाइल आपके सर्वर प्रोवाइडर टावर से जुड़ा हुआ है, उस टावर में केबल लगा हुआ है, वो केबल एक थ्रू मतलब समुद्र के अंदर से वो केबल बिछाया गया हुआ है, दूसरे देशों में वो जाता है। और वो जो केबल है वो सिंपल ऑप्टिक फाइबर से। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था टीयर वन कंपनीज के बारे में। तो टीयर वन कंपनी वो कंपनीज है जिन्होंने समुंदर के अंदर केबल बिछा के रखी है। टीयर वन कंपनी में टाटा टेलीकम्युनिकेशन है और रिलायंस जियो ने भी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपना केबल बिछाया हुआ है। तो ये है वो मैप कि कहाँ कहाँ केबल कैसे बिछाया हुआ है समुंदर के अंदर से। तो अगर आप देखेंगे, ये जो गोल गोल पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स एक्चुअली लैंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से केबल को बिछाया गया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर्स और सबमरीन केबल्स को बिछाया गया हुआ है और ये केबल्स दूसरे देशों में जाकर कनेक्ट होती है। तो अगर आप इंडिया में देखेंगे तो मुंबई से सबसे ज़्यादा केबल बिछाया गया हुआ है और कोची और चेन्नई से भी केबल बिछाया गया हुआ है, अंडमान में भी बहुत सारे केबल बिछाए हुए हैं। तो अगर आप जिस सर्वर को, मतलब अगर आप www.google.com में जाते हैं तो क्या होता है, ये जो केबल है जो ये पहले आपका फ़ोन से जाता है, जो आपके शहर में आपके घर के आसपास टावर है वहाँ पे जाता है, वो टावर जुड़ा होता है और एक टावर से, ऐसे करके वो टावर किसी और टावर से भी जुड़ा हो सकता है कि वो टावर अंडरग्राउंड केबल लगे हुए हैं, वो केबल आके इस लैंडिंग पॉइंट पे आता है, इस लैंडिंग पॉइंट से वो केबल से डेटा जाती है गूगल के सर्वर तक, मतलब यूएस में, वहां से वो इंफॉर्मेशन फिर से सेंड करके इसी केबल से आपके मोबाइल पे भेजता है। तो ऐसे काम करता है इंटरनेट। तो इंटरनेट का कोई खर्चा नहीं है, ये जो केबल बिछाए गए हुए हैं सिर्फ इसका खर्चा है, मतलब इंटरनेट पूरा फ्री है। पर ये जो केबल बिछाया गया हुआ है, ये केबल का मेंटेनेंस, ये केबल टूटती फूटती है, शार्क खा जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसका ये केबल 25 साल से ज़्यादा नहीं चलता। तो इसकी मेंटेनेंस की जो खर्चा है वो खर्चा हम
देते हैं कंपनीज को। जियो ने आज हम जियो इतने सारे फ्री इंटरनेट दे रहा था, कम दाम में इंटरनेट दे रहा था, क्योंकि 5 साल इसने केबल बिछा के रखी, तो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, अब 25 साल तक इंटरनेट उस जियो के लिए फ्री है, क्योंकि उन्होंने खुद के केबल बिछा के रखे। तो जियो टीयर वन कंपनी। टीयर टू कंपनी वो कंपनी है सिर्फ जिन्होंने इंडिया के अंदर टावर बिठा के रखी है, और जो बाहर डेटा जाती है वो थ्रू टीयर वन कंपनीज के केबल से जाती है। तो सपोज एक टीयर टू कंपनी है, वो टीयर टू कंपनी टीयर वन कंपनी को पर जीबी के हिसाब से पैसा देते कि मेरा सारा डाटा आपके टीयर वन कंपनी के केबल से जाएंगे, इसके लिए मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ और मैं अपना सेटअप इंडिया के अंदर बैठा दूँ। तो वो खुद केबल नहीं बिछाते, टीयर वन कंपनीज को पैसे देते और वह से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब टीयर थ्री कंपनीज क्या करते हैं, टीयर टू से लिया और लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टीयर थ्री कंपनीज लोकल कंपनीज है, जैसे कि हैथवे, सिटी, ऐसे कंपनीज। तो पर जीबी जो डेटा इंडिया से बाहर, मतलब ज़्यादा डेटा इंडिया से बाहर अंदर आती है थ्रू मुंबई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा केबल लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से कितना डेटा एक्सचेंज होता है। तो अगर आप देखेंगे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, यहाँ से डेटा निकलता ही नहीं है। ज़्यादातर डेटा जो निकलता है वो निकलता है थ्रू मुंबई। मुंबई से पर सेकेंड कितना डेटा निकलता है, दिल्ली से भी, मुंबई के आसपास, और दिल्ली से ज़्यादा मुंबई में डेटा निकलता है। चेन्नई से भी बहुत सारे डेटा निकलते हैं और कोलकाता से भी थोड़े थोड़े डेटा निकल जाता है, पर ज़्यादातर डेटा निकलता है मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से। तो जो कंपनीज है उन्होंने अपना लैंडिंग पॉइंट का जो केबल ज़्यादातर मुंबई से बिछाया है और दिल्ली से बिछाया हुआ है। तो ये है डेटा, निक्सी से हमें ये डेटा मिलती है। मैं लिंक में दे दूंगा निक्सी के बारे में, निक्सी के जो ये लिंक है जहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो मैं जिस ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा, तो वो ऐसे समुद्र के नीचे बिछाया जाता है, और ये एक ऑप्टिकल फाइबर, इसके जो फाइबर है वो एक बाल के थिननेस के बराबर है, और इसका बैंडविड्थ 100 Gbps के आसपास है। इफ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो वॉच अदर आवर अदर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।